आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, किसी भी इंसान की भाषा और उसकी बोली ही उसकी पहला इम्प्रेशन होता है। फर्स्ट इम्प्रेशन आपके भाषा और आपकी बोली ही आपको दिलाती है। अगर आपकी भाषा आपकी बोली अच्छी है तो उसका इम्प्रेशन लिसनर्स पे बहुत अच्छा पड़ता है, और अगर बुरा है तो इसका इम्पैक्ट एडवर्स ही होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। तो हर एक इंसान, चाहे स्टूडेंट हो या कोई प्रोफेशनल हो, चाहता है कि उसकी भाषा बहुत अच्छी हो, भाषा पे पकड़ उसकी अच्छी हो। वो ऐसा बोले कि सामने वाला का एकदम बोलती बंद हो जाए, वो ऐसा बोले कि बस छा जाए, आग लगा दे एकदम स्टेज पे, ऐसा बोले कि बस दुनिया उसी की सुने, दुनिया का आवाज़ बन जाए, हिंदुस्तान का आवाज़ बन जाए। ऐसा लैंग्वेज पे कंट्रोल तभी हो सकता है जब आप लैंग्वेज जो बोलना सीखते हैं उसके पहले लिखना भी सीखिए। एक भाषा जिस पे सब लोग अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं वो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जिसको हम लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं। लिंगुआ फ्रैंका वो लैंग्वेज होता है जो बहुत सारे देशों को जोड़ता है, जो सारे भाषाओं का भाषा है, मतलब सारे लोग उसको जो जानते हैं, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो नन अदर देन इंग्लिश ही है, जो हर देश में लोग समझते हैं। तो आज मैं इंग्लिश, एक ऐसे स्टैंडर्ड की इंग्लिश हमें सीखना है कि कोई भी टॉपिक, चाहे कोविड नोवल कोरोना वायरस हो, या फिर आपके टॉपिक हो इससे रिलेटेड, या गेम एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड, या पॉलिटिक्स से रिलेटेड, या साइक्लोन, या अर्थक्वेक, या इकोनॉमी, या एग्रीकल्चर, या कॉटेज इंडस्ट्री, कोई भी टॉपिक हो उस पे आप एक अच्छा स्टैंडर्ड इंग्लिश आपका हो, सिर्फ सिंपल कन्वर्सेशन के लिए नहीं, एक स्टैंडर्ड इंग्लिश जो आप दुनिया की आवाज़ बने, जो आपकी आवाज़ में एक वजन आए, इसके लिए हमें अंग्रेजी जो सीखना है उसमें लिखना, राइटिंग और स्पीकिंग, ये दोनों मिला के ही चलना है। दोस्तों, जब मैं अंग्रेजी बोलना सीखने का प्रयास करता था तो उस समय मैं 5 या 10 वर्ड रोज उठाते थे और हर एक वर्ड पे सेंटेंस फ्रेमिंग करता था। तो ये चीज़ उस समय भी इसकी रिलीवेंसी थी और इसकी रिलीवेंसी आज भी है, और जब तक ये सूरज चांद रहेगा तब तक इसी बनी रहेगी, और यही हमारा इंसेप्टिव एक्शन भी है, शुरुआत हम इसी से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं और एक टॉपिक है कि माइग्रेंट वर्कर्स, यही वर्ड्स को सिलेक्ट करके आपको यूज में लाना है, एक एक सेंटेंस आपको सबसे बोलना है। अच्छा, आपके काम को और भी मैं आसान करने के लिए मैंने क्या किया है कि 4-5 इमेज दिया है, हर इमेज को मैंने विजुलाइज करके एक एक सेंटेंस लिखे हैं, ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंस में आपको भी उसको कन्वर्ट करना है, सही है। चलिए देखिए पहला इमेज। इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि कुछ माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स जो प्रवासी मजदूर हैं, शहर में आते हैं काम करने के लिए, वो वापस जा रहे हैं। तो इसमें लिखा गया है कि आफ्टर फेसिंग डिफिकल्टीज ऑफ फाइंडिंग नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड फूड एंड जॉब, दे आर फोर्स्ड टू गो बैक देयर होम। अब ऐसे छोटे छोटे आप सेंटेंस बनाना है, आप इसको देख के मन में आपका एक पिक्चर आ रहा होगा, एक विजुलाइजेशन आ रहा होगा, थॉट प्रोसेसिंग कुछ बन रहा होगा। देखिए, आप कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स आर गोइंग बैक their home in the scorching sun on foot, पैदल जा रहे हैं, because in the absence of transport they are left with no choice, they have to walk down to their respective destination on foot only। आप लिख सकते हैं कि all the workers, poor workers आर गोइंग बैक देयर होम विद देयर ऑल बिलोंगिंग्स एंड आई थिंक दे विल नेवर कम बैक टू देयर सिटी विद दिस कन्विक्शन दे आर गोइंग बैक टू होम बिकॉज दिस सिटी हैज नॉट गिवन हिम प्रॉपर रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट, राइट। अब इसी तरह से इमेज टू में आप देख रहे हैं, वो कुछ पिक्चर आपके दिमाग में बन रहा होगा, 1-2-3 सेंटेंस छोटे छोटे तो बना ही सकते हैं, तो कोशिश करिए। इसमें लिख सकते हैं कि जो फंसा हुआ, ये परिवार पूरे तरीके से शहर में फंसा हुआ था
और ठेला जिस पे वो सब्जी बेचता था उसी पे अपना परिवार को लेके अपना पूरे किड्स वगैरह बच्चों को घर लेके जा रहा है पूरे सामान के साथ। सही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ रहने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आज की जो टॉपिक है, जो इमेजेज हैं, वो कोरोना वायरस से प्रभावित जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन्हीं के ऊपर हैं। इन्हीं से रिलेटेड सारे वोकैबुलरी भी हैं। स्ट्रैंडेड मतलब फंसा हुआ, मिजरी का मतलब दुख, डिस्पेयर का मतलब दुख होता है, ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी मानवीय त्रासदी है, या इसमें आप वर्ड अलग अलग यूज कर रहे हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यातायात के साधन, वो मुश्किल से दो वक्त का रोटी नहीं जुटा पा रहे हैं, दे आर अनेबल टू मेक एंड्स मीट, मेक एंड्स मीट यानी कि टू मील्स नहीं जुटा पा रहे हैं, दो भोजन नहीं मिल रहा है दे का दिन रात का। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि दिस स्ट्रैंडेड पुअर पर्सन इज कैरिंग ऑल हिज स्मॉल किड्स किथ एंड किन ऑन हिज ए स्मॉल प्राइवेट व्हीकल दैट इज हैंड पुलिंग रिक्शा विच इज यूज्ड फॉर सेलिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नाउ इट इज बिंग यूज्ड फॉर कैरिंग हिज फैमिली। राइट, ऐसे छोटे छोटे वाक्य आपको सोचना है और बनाना है। अगला इमेज देखिए, दिस इज एन अनदर इमेज ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, दे आर ऑल्सो लेफ्ट विद नो मीन्स ऑफ जॉब, नो मीन्स ऑफ इनकम, नो मीन्स ऑफ फूड, सो दे हैव ओनली वन चॉइस टू गो बैक टू देयर रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन, द रोड इज वैकेंट, ओनली देयर इज अ क्यू ऑफ साइकिलिस्ट्स, वर्कर्स, पुअर वर्कर्स, दे आर गोइंग थ्रू अ रोड ऑन विच देयर इज नो बस, नो ट्रक्स, ओनली द एक्सोडस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। एक्सोडस मतलब प्रस्थान। तो ये इसी तरह से छोटा छोटा आप बनाएंगे। आप कह सकते हैं कि द सीन द लैंडस्केप इज लुकिंग परफेक्टली ऑल राइट, बट द कंडीशन ऑफ द पुअर वर्कर्स इज रियली वेरी पैथेटिक इन दिस सीन, दैट इज ऑल वी कैन इमेजिन। तो ये इमेज है। अगला इमेज दिखा रहे हैं, उसमें भी आप सोचिए और एक दो सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए। देखिए, मैं हिंदी ज़रूर बोल रहा हूँ लेकिन इंग्लिश बोलने का कोशिश करना है और दिमाग में रखना है कि जस्ट बी बोल्ड एंड केयर नॉट, गलती बोलो लेकिन बोलना ज़रूरी। अब इस इमेज को देखिए, मैं इस तरह से पांच पांच इमेज दूंगा अलग अलग टॉपिक के ऊपर और हर एक विषय के ऊपर आप ट्राई करेंगे, धीरे 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 ट्राई करिए, बहुत अच्छा अंग्रेजी हो जाएगा। स्टैंडर्ड इंग्लिश के लिए लिखना पड़ेगा, जैसे एक वीडियो आपके लिए एक सब्जेक्ट है। अब इस वीडियो के ऊपर कोरोना वायरस माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर में आप 250-300 वर्ड्स में ज़रूर लिखिए और लिखने का प्रयास करिए। टॉपिक मैं दिया करूँगा, आप लिखिए और लिखने के बाद आप चाहें तो, मैं वैसे चेक तो करना बहुत मुश्किल होगा लेकिन जो बच्चे मतलब हमसे पढ़ रहे हैं वो अपना कमेंट बॉक्स में रात में जो लाइव क्लास होती है उसमें डाल सकते हैं और आप लोग अपना ट्राई करिए इसको लिखने का। जैसे इसको इमेज को देखिए, एक सेंटेंस मैंने लिखा है। अब इसको देख के आप कह सकते हैं ना कि दिस द आउटब्रेक ऑफ नोवल कोरोना वायरस has compelled each and every workers, laborers, rickshaw pullers to stand in queue waiting for food to satisfy their hunger and waiting for someone is waiting for the tickets so that they can meet their loved ones, their kith and kins, but the resources are limit, so everybody cannot get from the limit resources. So the scene is really pathetic, or this is showing the actual misery, debacle and despair
of the poor people who suffered most from this pandemic. यहाँ पे आप देख सकते हैं likewise, मतलब एक ही जैसा सीन है सब कुछ. Here there is a bus densely packed with migrant workers who are willing to go their home at any cost. Here their lives are at a stake because they are not maintaining social distance. They are not avoiding physical contact. They are totally violating and breaching the guidelines of the central government of maintaining social distance. But who cares when there is no food in the stomach, when there is no dream in the eyes, except only one thing, to meet the family, to meet the loved ones at any cost. This is only the last choice every migrant worker has right now. So this is really a heart-touching scene, and you must have remembered this scene created when the border was opened by the order of Delhi government, when all the migrant workers gathered at one place, some in Ghaziabad and some in UP border, in Noida, and huge number of migrant workers gathered at the same time, at the same place, and this was a great risk of more spread of this outbreak, and still we are watching that the number of victims, the number of fresh cases are increasing with each passing days. So guys, you should try to make a good note over this all images. Write an essay by using all the words. If not possible, then try to make at least simple sentence by using each given word. I have given 15 words on the name of useful words. So you should use each word for making a simple sentence, and I will give you more and more videos, such videos which can enhance your proper sense of using the vocabulary, and different topics I will pick up which are current, especially I will go for that topic first. So that is all for this video. See you soon in the next video. Please leave your comment in the comment box. How do you find this video? Should I continue such pattern, or did you find it? You must give your response and your feedback. I'm waiting for it. That's all for today. Jai Hind, Jai Bharat.